नमस्कार, रोजाना किचन में आपका स्वागत है। मैं अनीता आज नींबू की खट्टी मीठी अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 50 पीस नींबू लिए हैं, उसे धोकर सुखा लिए हैं और 4 टुकड़ों में से काट लिए हैं। 2 अलग अलग बॉल में 25 पीस है अलग कर लिए हैं। 10 पीस का इसका रस निकाल लिए हैं, इसी में से थोड़ा थोड़ा ही रस निकाले हैं ताकि इसमें आगे भी इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसको काट करके इसे दोनों में आधा आधा डाल देंगे। ये देखिए काट लिए हैं, अब इसे आधा इसमें भी दे देंगे। 2 बाल में 25-25 पीस है। नमक 1/3 कप दोनों में, विनीगर और नींबू का जो रस निकाले हैं उसको भी हम इसी में आधा आधा डाल देंगे ताकि उसका ग्रेवी से अच्छे तरह से पकने में इसका सुविधा होगा। और इसे धूप में 1 सप्ताह तक दिखाएंगे। इसका लॉन्ग टाइम रिजर्व करके रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए नींबू कितना अच्छा से पक गया है। अब ये इसमें हम 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये नींबू की नमकीन वाली अचार बन के तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, इसके फायदे भी बहुत हैं। ये दूसरा बॉल वाला है, इसको भी ये भी अच्छी तरह से पक गया है नींबू। और जितना नींबू है उतना ही हमको चीनी लेना है। ये 1200 ग्राम है, आपका जितना नींबू रहेगा उतना ही चीनी लीजिएगा, इसी का ये रेशियो है। ये चीनी इसमें डाल करके 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और चीनी डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये नींबू की मीठी अचार है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। इसे 3 से 4 दिन तक हम इसे धूप में दिखाएंगे, जिससे कि ये चीनी गल के अपने आप ही एक ग्रेवी का रूप ले लेता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे 2 से 3 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू की नमकीन अचार, ये देखिए इसके सूखे जार में इसे रखेंगे, जिससे कि इसका लॉन्ग टाइम रहेगा इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए इसका भी ग्रेवी कितना अच्छा से बन गया है। इसे भी एक सूखे जार में डाल करके रख लेंगे। 2 से 3 साल तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नमकीन और खट्टी मीठी अचार बनकर तैयार है। इस्तेमाल करने के लिए अच्छे कमेंट दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे वीडियो को देखने के लिए